A very happy, healthy, and a cheerful morning to all my dear students. Today, our new topic is taking care of body parts. So, kids, can you tell me when you all come from outside, why do your parents tell you to wash your hands? जब भी आप कहीं बाहर से खेल के आते हो कभी, तो आपके मम्मी पापा या घर में जो भी बड़े होते हैं, वो आपको अपने हाथ धुलने के लिए क्यों कहते हैं? Why do they tell you to wash your hands? What do you think? Why should we wash our hands? आपको क्या लगता है कि हमें अपने हाथ क्यों धुलने चाहिए? Yes, we should wash our hands after playing outside to clean them. If we do this, germs that have stuck to our hands will be washed away and will not harm us. हमें अपने हाथ हमेशा बाहर से खेल के आने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे हाथ में होंगे वो वॉश हो जाएंगे और वो हमें कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं. सो किड्स, नाउ आई विल शो यू अ चार्ट बाय विच यू कैन लर्न डिफरेंट वेज टू क्लीन योर बॉडी पार्ट्स एंड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. ओके, सो दिस इज़ द चार्ट. Here we will learn about the ways to take care of our body parts. So first is taking a bath every day. Hame roz nahana chahiye. Okay, we should bath every day. Brushing our teeth twice a day. We should brush our teeth twice a day. Hame din mein do baar apne daanton ko brush karna chahiye. Isse kya hoga ki hamare teeth kya rahenge? Clean rahenge. Washing our hands before and after meals. Hame apne haathon ko achhi tarah se khana khane ke pehle aur khana khane ke baad kya karna chahiye? Wash karna chahiye. Eating healthy food. We should always eat healthy food. We should never eat unhealthy food or junk food. We should avoid eating junk food. हमें junk food जैसे pizza, burger ये सब खाना avoid करना चाहिए. We should always eat healthy food जिसमें कि vitamins, minerals और अलग अलग तरह के proteins मिलते हों, वो food हमें खाना चाहिए. We should always eat healthy food. So kids, can you all tell me how can we take care of our other body parts and other sense organ? क्या आप सब मुझे बता सकते हो कि हमारे जो दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं या हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ़ आर अदर बॉडी पार्ट्स बाय हैविंग अ बाथ एवरी डे. हमें हम रोज़ नहाकर अपने अदर बॉडी पार्ट्स की केयर कर सकते हैं. वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ वीक एंड रिंस आर माउथ आफ्टर मील्स टू कीप इट क्लीन. हमें अपने दांतों को दो बार ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद हमेशा अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए. वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें अपने हाथों को खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. We should wash our hands before and after meal. We can splash water in our eyes if we have been playing outside. अगर हम कभी बाहर से खेल के आते हैं तो हमें अपनी आँखों में पानी के छींटे मारने चाहिए. We should splash water in our eyes. We can also exercise to keep our body parts एक्टिव. हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, सच एज जॉगिंग, रनिंग या प्लेइंग आउटडोर गेम्स. हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए. वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और हेल्दी रहती है. सो किड्स, डू यू ऑल नो कि स्लीप यानी कि सोना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. हमें अच्छी तरह से अच्छे अमाउंट में स्लीप लेनी चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट की स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीप हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. क्या आप सब मुझे बता सकते हो कि वॉट विल हैपन इफ़ वी डोंट गेट इनफ स्लीप? अगर हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं मिलेगा तो क्या होगा? Yes, if we don't get enough sleep, our mind and body will not get enough rest and we won't feel fresh the next day. अगर हमें required amount of sleep नहीं मिलेगी तो हमारा जो mind है और हमारी जो body है वो अच्छी तरह से आराम नहीं कर पाएगी. It could not get enough rest और हम अगले दिन यानी कि next day fresh feel नहीं करेंगे, हम unactive रहेंगे. स्लीप प्रिपेयर अस फॉर नेक्स्ट डे. स्लीप हमें अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए रेडी करती है और स्लीप हमेशा हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से काम करने में या बेटर वर्क करने में हेल्प करती है.
So kids, now I would read this paragraph to make the topic more clear to you. So let's begin. Taking care of our body parts. We need to take care of our body parts to keep it healthy and fit. We can take care of our body parts in the following ways. So kids, here are some ways by which we can take care of our body parts. So first is, take a bath every day. As I told you that taking bath every day is very important to keep ourselves clean and fresh. Brush our teeth twice a day. We should always brush our teeth twice a day. हमें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए to keep it clean. We should clean our tongue with a tongue cleaner. हमें जब अपनी टंग को, अपनी जीभ को हमेशा टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए. जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमें अपनी टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. वी शुड वॉश आवर फेस हैंड एंड फीट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड. जब भी हम बाहर से खेल के आते हैं तो हमें अपने हाथ को, पैर को और फेस को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए. वी शुड ब्लो आर नोज़ एवरी डे टू कीप इट क्लीन. हमें अपनी नोज़ को ब्लो करना चाहिए हर रोज़, उसको क्लीन रखने के लिए. स्प्लैश अ लिटिल वाटर इन द आईज़ टू कीप देम क्लीन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब भी हम बाहर से खेल के आते हैं तो हमें अपने आँखों में पानी के छींटे मारने चाहिए. उससे क्या होगा कि हमारी आईज़ जो है वो क्लीन रहेंगी. ईट हेल्दी फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड फिट. This is the very important one that we should always eat healthy food. इससे क्या होगा कि हम strong रहेंगे, fit रहेंगे. And the last point is, go to bed early to get enough sleep. As I told you that enough sleep, that is required amount of sleep, is very important for our body to make it feel fresh and be active. So हमें रात में जल्दी सोना चाहिए. वी शुड गो टू बेड अर्ली टू गेट इनफ स्लीप. हमें रात में जल्दी सोना चाहिए एंड सुबह जल्दी उठना चाहिए. वो सुना है ना सबने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. सो वी शुड फॉलो दिस. सो किड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द वेज बाई विच वी कैन कीप आर बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड द टूडेज टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.